प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। वो हिमाचल प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। आज उन्होंने हिमाचल के कांगड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने फल के व्यवसाय से जुड़े किसानों की दिक्कतों पर भी बात की और उन्होंने किसानों के सामने मोदी सरकार का बनाया हुआ एक पेप्सी प्लान साझा किया। जी हां, मोदी सरकार ने एक पेप्सी कोका कोला प्लान बनाया है। क्या है ये प्लान, आप भी सुनिए। ये जो कंपनियां बोतलों में पानी भर करके बेचती है, कलर वाला पानी भी, कोका कोला, फेंटा, पेप्सी, न जाने क्या क्या नाम है, हमने उन कंपनियों को कहा है कि आप जो बेच रहे हैं बेचिए, लेकिन उसमें 5% फलों का पक्का सच्चा जूस मिक्स करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये पानी जो करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रुपयों का व्यापार होता है, हर बोतल में 5% सही फ्रूट जूस आएगा तो फलों का बड़ा बाजार खड़ा होगा कि नहीं होगा? ये कंपनियां फल लेने के लिए कतार लगाएगी नहीं लगाएगी? यहां का संतरा हो, यहां की मैंगो हो, यहां की लीची हो, उसको तुरंत खेत से ही मार्केट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वायरल कीड़ा न्यूज। कल भारत सरकार दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है,